वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी लास्ट वाली वीडियो याद होगी तो मैंने उसमें बताया कि हम फोकस को कैसे लाइटनिंग एआई पे यूज़ कर सकते हैं। तो जब मैंने उसमें वीडियो अपलोड करी तो कुछ समय तक तो ठीक चला, फिर उसके बाद ये ब्लैंक स्क्रीन का एरर आने लगा। तो मैंने उसका सॉल्यूशन गिटहब पे अपलोड कर दिया था। अगर आपने ये सॉल्यूशन नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और सेकंड मेजर प्रॉब्लम ये थी कि जब हम मॉडल्स को इंस्टॉल कर देते तो आपको कुछ इस टाइप का 401 का अनऑथराइज का एरर आ रहा था। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सो अब हम लाइटनिंग एआई की वेबसाइट पे चले जाते हैं इसके लिए। देन मैं अपना कोई भी स्टूडियो सेलेक्ट करता हूँ, अगर आपने नहीं किया तो आप कर लेना, नहीं तो नया स्टूडियो क्रिएट कर लेना। और मेक श्योर आप जीपीयू सिलेक्ट कर रखे हो, और अगर आपके में जीपीयू सिलेक्ट नहीं है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ आवर स्टूडियो इज रेडी, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट मैं इसमें इस रेपोजिटरी को क्लोन करूंगा। क्लोन करने के लिए इसे कॉपी करके यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। मैंने इसे पेस्ट कर लिया और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास पहले से ये रेपोजिटरी क्लोन है इसके अंदर। तो अब हम इस डायरेक्टरी में चले जाते हैं, फोकस लाइटिंग ए वाली डायरेक्टरी में। देन इस स्क्रिप्ट को हमें रन करना है, sh*.sh स्क्रिप्ट को रन करेंगे। अगर आप ये स्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम रन कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अराउंड 15 to 20 मिनट्स तक आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर आप ये सेकेंड टाइम इंस्टॉल कर रहे हो, मतलब रन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे 20 to 30 सेकेंड्स तक वेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा रनिंग में आ चुका है, ऐप स्टार्ट सक्सेसफुली आप देख सकते हो। सो अब हम इसमें न्यू टर्मिनल को ओपन करते हैं। देन आपको यहाँ नीचे आना है। अगर आप पुराने वाले मेथड का यूज करोगे तो इस टाइप का इशू आएगा, सो इसलिए हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। जैसे यहाँ से आप कॉपी कर लेना और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो ये क्लाउड प्लेयर का यूज करके 7865 पोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा, जिसकी मदद से हम अपने फोकस के वेब यूआई को एक्सेस कर पाएंगे। ये फ्री है, इसमें बैंडविड्थ लिमिट ना के बराबर है शायद। लेट्स जनरेट इमेज, एक इमेज को जनरेट करके चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं ये मॉडल एकदम, मतलब इमेज अच्छे से जनरेट कर रहा है। और हम मॉडल्स के सेक्शन में जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मॉडल्स मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। सो मैं आपको इसके अंदर मॉडल्स को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। अगर आप शिवेट एआई का यूज करोगे तो ये वाला एरर आपको मिलेगा, 401 अनऑथराइज का एरर मिलेगा आपको। सो इसके लिए मैंने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ निकाला है जिसका नाम है शेखर एआई। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, ये शिवेट एआई का ऑल्टरनेटिव है। यहाँ पे आपको टन्स ऑफ मॉडल देखने को मिलेंगे, बहुत सारे मॉडल देखने को मिलेंगे ये। और इसके अंदर आप ऑटोमेटिक 11:11 को भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट। तो मैं इसका एक बार टेस्ट कर लूँ, मैं जेवी जेवी क्रोमा मॉडल को इंस्टॉल करूंगा। सो मैं इसे सर्च कर लेता हूँ, हमारे सामने ये जेवी क्रोमा मॉडल आ चुका है।
सो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो उस पर आपको राइट क्लिक करना है, कॉपी डाउनलोड लिंक, एंड देन आपको जाना है लाइट देख सकते हो आप यहाँ पे तीन मॉडल इंस्टॉल है, एक जेवी सेफ्टी आंसर, मतलब पहले से ही मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है। अगेन मैं आपको इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको न्यू टर्मिनल में न्यू टर्मिनल को ओपन करना है, देन इधर फाइल मैनेजर में जाके आपको फोकस, देन मॉडल्स, देन चेक पॉइंट पे राइट क्लिक करना है, देन कॉपी पाथ, इस पाथ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम इस डायरेक्टरी में चले जाएंगे क्योंकि हमें इसमें मॉडल्स को इंस्टॉल करना है। सो हम इस डायरेक्टरी में आ चुके हैं, इसमें हमें मॉडल्स को इंस्टॉल करना है। तो मैं डाउनलोड लिंक को अगेन कॉपी कर लेता हूँ। सो अब मॉडल डाउनलोड करने के लिए आपको कमांड लगानी है डब्ल्यू गेट। सबसे पहले आपको लिखना है डब्ल्यू गेट, फिर हाइफन कैपिटल ओ, फिर नेम, नेम आपको देना है जो आप देना चाहते हो। मैं जेवी जेवी वन देना चाहता हूँ नेम, और उसके आगे एक्सटेंशन में डॉट सेफ टेंसर्स लगा देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सेफ टेंसर्स जरूर लिखना है। देन आपको लिंक देनी है उसकी, तो मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है। अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें ऐसा कुछ एरर नहीं आने वाला। और जब लक्स का भी यूज़ कर सकते हो, अगर इसके अंदर बाई चांस आपको अगर मॉडल नहीं मिलता तो इसके अंदर हम ना मॉडल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं शेवी डी आई से। सो उसके लिए आपको इंपोर्ट शेवी डी आई पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे मॉडल की लिंक देनी है। मॉडल की लिंक कैसे देनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको चले जाना है शेवी डी आई पे, शेवी डी आई पे चले जाना है आपको, देन मॉडल्स के सेक्शन में, सपोज मुझे ये वाला मॉडल डाउनलोड करना है, सो मैं ये वाला मॉडल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मॉडल अच्छा नहीं है, मैं दूसरा डाउनलोड करूँगा, ये वाला मॉडल अच्छा है, सो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और आपको इस मॉडल को अगर डाउनलोड करना है तो इस बटन पे बिल्कुल क्लिक मत करना, आपको ये वाला यूआरएल कॉपी करना है, ठीक है। इस वाले यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना है और सबमिट। जैसे ही आप इसे सबमिट करोगे, अगर ये मॉडल ऑलरेडी इसमें होगा तो आपको ये नीचे यूआरएल दे देगा कि ये मॉडल यहाँ पे, आप यहाँ से जाके इस मॉडल को डाउनलोड कर सकते हो ऑलरेडी अगर होगा तो, और नहीं होगा तो ये 30 मिनट्स में आपको ये डाउनलोड करके इस पे अपलोड हो जाएगा। आपको 30 मिनट्स तक वेट करना पड़ेगा। आप इसको इस टैब को क्लोज भी कर सकते हो उसके दौरान। आप देख सकते हैं ये मॉडल ऑलरेडी इधर डाउनलोड है, यूज कर पाओगे। आप देख सकते हैं हमारा मॉडल भी डाउनलोड हो चुका है। तो अब मॉडल्स के सेक्शन में आ जाते हैं अगेन और रिफ्रेश ऑल फाइल। आप देख सकते हो जेवी वन डॉट सेव टेंसर्स, ये वाला मॉडल पुराना वाला है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला जेवी वन डॉट सेव टेंसर्स, ये जो मैंने अभी डाउनलोड किया है वो है। अब सेम प्रॉम्प्ट के साथ मैं इमेज को जनरेट करता हूँ। हम देख सकते हैं ये जेवी क्रोमा मॉडल काफ़ी अच्छा है, उसमें इसकी इमेजेस काफ़ी अच्छी है। आप चाहो तो उसको भी ट्राई कर सकते हो, और आप इस वेबसाइट पे विजिट जरूर करना shekhar.ai पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।